के साथ 2019 वर्ल्ड कप में उतरेगी भारतीय टीम तो भूल जाओ वर्ल्ड कप। चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब हारने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की जमकर खिंचाई हो रही है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत को अब अगले बड़े टूर्नामेंट 2019 वर्ल्ड कप की तरफ ध्यान देना चाहिए। पर अगर भारत इस टीम के साथ उतरी तो वर्ल्ड कप का ख्वाब भूल ही जाना बेहतर होगा। एक फाइनल क्या जीता, अफरीदी ने बता दिया पाकिस्तान को 2019 वर्ल्ड कप का प्रबल दावेदार। हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे तमाम वजह हैं। एक, सबसे पहली वजह है टॉप ऑर्डर का फेल होना। यदि वर्ल्ड कप में भारत का टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है तो उसे संभालने के लिए कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। दो, महेंद्र सिंह धोनी जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ खास नहीं कर पाए उनका अगले वर्ल्ड कप में खेलना संदिग्ध है। अगर वे खेलते भी है तो पता नहीं उनका फॉर्म कैसा रहेगा। तीन, टीम इंडिया के धुरंधर खिलाड़ी युवराज सिंह भी इस टूर्नामेंट में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, उनका भी वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम में टिक पाना मुश्किल लग रहा है। चार, विदेशी जगहों में अश्विन भी कुछ काम नहीं आते, दूसरों देशों के मैदानों में उनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। विराट ने दी ऐसी स्पीच कि क्रिकेट दिग्गजों के साथ साथ पाकिस्तानी फैंस भी हुए उनके मुरीद। उम्मीद है कि विराट कोहली इन सब वजहों को ध्यान में रखकर 2019 वर्ल्ड कप की तैयारी में लगेंगे।